ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं, एरे अलाउज टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड। कह रहे हैं कि एरे जो है हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एरे डिफाइन करें, और वो एरे करता क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है एरे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो सेम डाटा टाइप होती है। अगर इंटीजर टाइप का तुमने एरे डिक्लेयर किया है तो सारी वैल्यूज़ इंटीजर होंगी, सही है, और अगर तुमने कैरेक्टर डिफाइन किया है तो सारी वैल्यूज़ कैरेक्टर होंगी या स्ट्रिंग होगा। फ्लोट डिफाइन किया है तो उस एरे में जो भी वैल्यू होल्ड करेगी वो सारी फ्लोट की होंगी। कह रहा है सिमिलरली स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अनदर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। कह रहा है इसी तरह से स्ट्रक्चर भी एक डाटा टाइप है, मगर ये कौन सी है, यूज़र डिफाइंड, यानी ये हम खुद बनाएंगे। अब तक हमने कोई डाटा टाइप खुद नहीं बनाई, इंटीजर इसमें बनी बनाई है, फ्लोट बिल्टन मिलती है, कैरेक्टर बिल्टन मिलती है, तो ये कौन सी डाटा टाइप है स्ट्रक्चर जो हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू कंबाइन डाटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अच्छा, स्ट्रक्चर काम किस लिए आता है, डिफरेंट टाइप्स, डाटा टाइप्स या डाटा आइटम्स को डिफरेंट टाइप के, उनको एक जगह कंबाइन करने का काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी देखो नीचे, कह रहा है स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। स्ट्रक्चर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज यू वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी, यू माइट वॉन्ट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अबाउट ईच बुक। जैसे अब देखो, मुझे एक बुक का रिकॉर्ड रखना है तो उस बुक के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, टाइटल यानी उसका नाम होगा बुक का, उसका ऑथर होगा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट की बुक है, और बुक की आईडी। तो एक चीज इंटीजर में नजर आ रही है मुझे, कौन सी, ये वाली, ये इंटीजर में, सही है। और बाकी सारी किसमें, कैरेक्टर 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 यानी स्ट्रिंग में, नेम वगैरह तो इंटीजर नहीं हो सकता ना, सही है। तो इस तरह का अब मुझे एक बुक का रिकॉर्ड रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, इसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलो आते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन बनाने के बाद पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड लिखेंगे, और जिसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमारा टारगेट क्या है, बुक, ठीक है। या चलो बुक की एग्जांपल नहीं लेते हम, आज एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉय, सही है। एम्प्लॉय के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, और नेम किस टाइप का होगा, कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग में लेना है ना हमें, नेम कैरेक्टर, सही है, और इसकी लेंथ होगी 50 मैक्सिमम, सही है। अच्छा, नेम के बाद उसकी क्या होगी, आईडी होगी, आईडी उससे भी पहले लगते हैं, इंटीजर होगी, सही है। और क्या चीज़ हो सकती है, सैलरी, सैलरी फ्लोट में हो सकती है, सही है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किस में हो सकता है, कैरेक्टर में, ठीक है। तो देखो, एक डिफरेंट टाइप्स के जो डाटा है, डाटा टाइप्स है, उनको हमने कंबाइन कर दिया किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, सही है। ये किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो कर सकेगा, उसकी एक एम्प्लॉय की अगर आईडी नंबर 1 है, उसका नेम अली है, और उसकी सैलरी 50,000 है, डिपार्टमेंट उसका आईटी है, तो ये एक रिकॉर्ड को करेगा ना रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसके लिए जो वेरिएबल चाहिए होगा वो किस तरह का होगा, स्ट्रक्ट टाइप का होगा, सही है। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया, यानी एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम्स इसके अंदर बाइंड हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले तुम्हें यहाँ आके स्ट्रक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर होता है इंटीजर ए, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर आके तुम लिखोगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, कॉपी करा इसको, पेस्ट किया, और आके तुमने लिखा E1, सही है, एक एम्प्लॉय, और ये दूसरा वेरिएबल होगा, दूसरा स्ट्रक्चर, यानी ये दूसरे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम इसी तरह डिक्लेयर करने हैं जिस तरह से हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ मैं आके लिखता हूँ E1.id=1, 101 या एम्प्लॉय की आईडी दे दी है, सही है।
सेव कर देते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर। ये मैंने एसक्यूएल सर्वर के मेथड पे कर दिया जिसमें डेटा टाइप बाद में आती है। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, इस स्कोप पे कोई क्लास नहीं, स्ट्रक्चर है ई1 डॉट, ठीक है। अब मुझे एम्प्लॉय का नेम लिखना है, एम्प्लॉय के नेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी ऐड करूँगा, हैश इंक्लूड, कॉपी किया ऐसे पेस्ट किया, स्ट्रिंग डॉट एच, सही है। इसके अंदर एक मेथड मौजूद है स्ट्रिंग कॉपी का, ठीक है। वो क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी, str कॉपी, ठीक है। ये किसके अंदर सेव कराना है, मैं ई डॉट नेम कॉमा अली, सही है, e1 डॉट एम्प्लॉय वन, e1 डॉट सैलरी इक्वल्स टू 50,000 e1। अब फिर यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम के लिए भी ये कॉपी होगा और यहाँ पे लिखेंगे e1 डॉट डिपार्टमेंट, देखो ये खुद से आने लगा, और यहाँ लिख दिया HR, सही है। देखो एक, ठीक है, कोई एरर नहीं है कंपाइल का। इसी तरह से इसको मैंने कॉपी किया और सेकंड रिकॉर्ड यहाँ इसको पेस्ट किया, आईडी नंबर 102, बिलाल नाम रखा इसका, सैलरी 60,000 और डिपार्टमेंट आईटी, सही है। और इसको सबको E2 कर देना, बिकॉज जो दूसरा वेरिएबल है वो कौन सा है, E2 वाला, ये दूसरे बंदे का रिकॉर्ड होगा, सही है, सेफ। अच्छा अब इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ नेम ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू परसेंट एस, ठीक है, बैक स्लैश एन और फिर सैलरी, और यहाँ पे सैलरी की जगह क्या देगा, परसेंट एफ बैक स्लैश एन और फिर क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट कॉलन परसेंट एस, और इससे भी पहले एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, एम्प्लॉय आईडी बैक स्लैश एन एम्प्लॉय आईडी कॉलन परसेंट डी, सही है। तो सबसे पहले क्या आएगा कॉमा में, ये वाला वेरिएबल, कॉपी पेस्ट कॉमा, फिर कौन सा वेरिएबल, नेम वाला, कॉपी एंड पेस्ट कॉमा, कॉपी पेस्ट कॉमा, और क्या रह गया, डिपार्टमेंट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, टर्मिनेटर F11। ये देखो प्रिंट होके आ गया, एम्प्लॉय आईडी 101, नेम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी और डिपार्टमेंट, ठीक है।